बच्चों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल लेट गेट किड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास नर्सरी की वर्कशीट नंबर 74। तो इसकी ये वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है हमारे पास 15 नवंबर। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नेम लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक और अनदर चैनल है जिसका नाम है लेट्स गाइड किड्स एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप उसे अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक हम करते हैं अपनी वर्कशीट को स्टार्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे पहली एक्टिविटी है, आइए बच्चों नीचे दिए गए पक्षियों को कैरियन की सहायता से उनके घोंसलों से मिलाएं, ठीक है। तो आपको उन पक्षियों के उनके घोंसले से मिलाना है, ये जो सीधी रेखा है इस पर आपको ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर लेंगे बच्चों। हमें पक्षियों को घोंसले से मिलाते हुए बाएं से दाएं जो रेखा खींची थी, ठीक है, हमने ऐसे खींची थी ना रेखाएं, अब ऐसे तो खींची नहीं थी, हमने ऐसी खींची थी, उन्हें स्लिपिंग लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिपिंग लाइन्स। आपको याद होगा कि हमने पहले ऊपर से नीचे वाली लाइन पढ़ी थी, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली जिसे हमने पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्लिपिंग लाइन्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, सभी बच्चे याद रखेंगे, हमारे सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब हम सेकेंड एक्टिविटी देखो। अब नीचे दिए गए चित्रों में से स्लिपिंग लाइन्स को ढूंढकर उन पर बाएं से दाएं जाते हुए कैरियन की सहायता से ट्रैकिंग कीजिए, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रैकिंग करेंगे। अब आपकी थर्ड एक्टिविटी देखो। चलिए अब नीचे दिए गए बिंदुओं को आपको दाएं से बाएं मिलाते हुए स्लिपिंग लाइन्स को अभ्यास करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे इसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे यहाँ पे इस बिंदु पे पेंसिल रखेंगे और इसको ऐसे करके मिलाएंगे। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट। आपको वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।